हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो आपने तो कई सारे वीडियो देखे होंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स को आप देखते होंगे। तो अगर आपको भी अपने चैनल पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करना है बट आपको पता नहीं है कि वो कैसे कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल। अगर आपको थर्ड पार्टी या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के कैमरा से ही अगर आपको शॉर्ट अपलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, एंड सेकेंड चीज़ अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप से उसे अपलोड करना है तो वो भी कैसे कर सकते हो। दोनों ही चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, अभी कम से कम समय में, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलिए अभी सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चले जाना है वीडियो यूट्यूब पर, एंड यूट्यूब में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो प्लस आइकन जो मिडल में मिल जाता है उसे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिएट ए शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो एंड थर्ड जो है गो लाइव। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन जहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट आपको क्रिएट अपलोड करना है, एंड यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे 15 सेकंड्स यहाँ पे एंड 16 सेकंड। ये चीज़ दोस्तों तब आपको काम आएगा जब आपको यूट्यूब की कैमरा से अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो तब आप इसे ले सकते हो। अगर आपको 60 सेकंड का वीडियो बनाना है तो यहाँ पे आपको 60 सेकंड पे आपको ऐसा क्लिक करना है, 15 सेकंड्स का बनाना है तो आपको 15 सेकंड पे क्लिक करना है। तो उसी के हिसाब से टाइमर सेट होता है 15 या 16 सेकंड। तो खैर अभी ये बात हो गई यूट्यूब के कैमरे से अगर आप रिकॉर्ड करते हो एंड उसके साथ ही अपलोड करते हो। एंड सेकंड चीज़ दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से बना के रखे आपको जो मटेरियल, जो वीडियो आपका तैयार है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे एक एल्बम वाला एंड आपको गैलरी वाला आपको फोटो दिखता होगा रिकॉर्ड ऑप्शन के जस्ट लेफ्ट में, एंड उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड क्लिप का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड क्लिप का ऑप्शन पे क्लिक करते आप जितने भी आपके गैलरी में जितने भी वीडियो सेव्ड है एंड बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके आपको दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, कोई भी आपको वीडियो ऐसा क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जितना भी अगर आपको ट्रिम करना है इसमें से भी है तो आप ट्रिम कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको सिंपली डन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ज़रा से प्रोसेसिंग टाइम लेगा वीडियो को ज़रा प्रोसेस होने में एंड आगे स्टेप लेके जाने के, एंड आगे स्टेप में लेके जाने के बाद आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि हमने ये 60 सेकेंड्स का बनाए थे। अगर आपको इसी से भी आगे लेके जाना है वीडियो और भी रिकॉर्ड करना है आपके कैमरा से तो आप इसे कर सकते हो, बट हमें इतना ही करना है। तो आप सिंपली राइट का ऑप्शन क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको ऐसा आ जाएगा ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे एंड एक्स्ट्रा साउंड भी यहाँ पे आप लगा सकते हो अपना, एंड इसमें कुछ कॉपीराइट इशू नहीं आता दोस्तों। यूट्यूब शॉर्ट में कुछ कॉपीराइट का इशू नहीं होता है क्योंकि ऐसे ये मोनेटाइज नहीं है अभी तक। यहाँ पे आपको कुछ चाहिए तो फिल्टर लगा सकते हो, एंड टेक्स्ट लिखने का आपका जो टाइम लाइन है कि कितने टाइमर में ही आपका वो सेकंड्स रहे जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा। तो जैसे कि मैं अभी ये लिख देता हूँ कुछ भी, तो जैसे कि ये है तो यहाँ पे आपको टाइमिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे कितने सेकंड से आप कितने सेकंड तक रखना चाहते हो। जैसे सब्सक्राइब का बटन आप बहुत सारे देखते होंगे तो आप वहाँ वही चीज़ इससे आप कर सकते हो। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है ये सब होने के बाद, एंड सिंपली उसके बाद आएगा आपका मेन सीन। मेन सीन जो होता है आपका टाइटल डालना, एंड टाइटल आप डाल सकते हो जो कि बहुत ही फ़र्क पड़ता है वीडियो में एंड शॉर्ट्स में। जब भी आपको अगर कोई वीडियो अगर वायरल करना है तो आपको टाइटल एक कमाल का डालना होता है। तो आप कुछ भी आपका जो भी टाइटल होगा, जैसे आपका कंटेंट होगा उसके आप हिसाब से डाल सकते हो, एंड यहाँ पे सिंपली आप अपलोड का ऑप्शन है एंड आप अपलोड कर सकते हो, एंड उससे पहले आप सिलेक्ट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो ये मेड फॉर किड्स है या नहीं, वो जैसे आपके कंटेंट के हिसाब से। एंड विजिबिलिटी दोस्तों आपको पब्लिक ही रखना है, बहुत सारे लोग पहले से ये प्राइवेट अनलिस्टेड रहता है, प्राइवेट पर रहेगा तो कोई भी नहीं देख सकता आपके अलावा, अनलिस्टेड में भी कोई भी नहीं देख सकता। तो अगर आपको वीडियो को वायरल करना है तो ज़रूर आपको एक पब्लिक पे ही सिलेक्ट करना है क्योंकि पब्लिक पे सिलेक्ट होगा तो तभी लोगों तक पहुंचेगा। तो जैसे फिर आपको टाइटल डाल के सिंपली आपको अपलोड शॉर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, तभी आपका अपलोड शॉर्ट अपलोड हो जाएगा, एंड इसी तरीके से आप अपना शॉर्ट्स आप बना सकते हो एंड इसे फैला सकते हो आप अपने जो भी शॉर्ट्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।